आज मजलिस का ये कारवां देखते हुए दिल से बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि मैं उन चंद लोगों में से एक हूँ जिसने शुरुआती दौर मजलिस का देखा है, या यूँ कहूँ तो मतलब दिल्ली के अंदर मजलिस का परचम हम लोगों ने, चंद ही कुछ लोगों ने अपने हाथों में जिम्मेदारी ली थी। और हम लोग दर दर भटकते थे, लोगों के पास जाते थे, एक MIM नाम की पार्टी है, मजलिस नाम की पार्टी है, आप लोग जुड़ जाइए। तो गैरों से क्या उम्मीद की जाए, हमारे अपने ही लोग हमें धुतकारते थे और कहते थे अरे किसका परचम उठा रहे हो जनाब, पता भी नहीं लगेगा तुम्हारा कहाँ गए और कहाँ से आए थे, कहाँ चले। वो दौर भी हमने देखा है जब हमारे सगे, हमारे करीबी, हमारे रिश्तेदार लोग कहते थे इस परचम को भैया इसकी मेंबरशिप ना काट देना हमारी, हम जहाँ हैं वहीं खुश रहेंगे। वो दौर देखने के बाद आज यहाँ पर इतने सारे लोग, दिल्ली के अंदर मजलिस का मकाम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मेहनत है और हमारे दिल्ली सदर जनाब कलीमुल हफीज साहब का इसमें ईमानदारी है। अल्लाह ने वो दिल लाया आए और अल्लाह ने हम लोग को एक जिम्मेदार, एक मतलब दूर की सोच, दूर अंदेशी रखने वाला इंसान नवाजा, हमें जिनकी एक विजन है, जिनका एक मिशन है आने वाले टाइम में मजलिस के लिए। कैसे ये नहीं कि हम एक बहुत ही पार्टी को, मसला ये होता है कि सिर्फ हम इलेक्शन लड़ें, इलेक्शन लड़ के जीत जाएं, कुछ सीटें निकाल लें, कुछ सीटें निकाल के अपनी बात रखें और उसके बाद कॉम्प्रोमाइज टेबल करें और बात खत्म कर दें। देखिए हमें दिल्ली में एक ऐसा सदर मिला है जो अल्लाह के शुक्र से, जो ये समझ लिए एजुकेशन के अंदर पहले से काम कर रहे हैं, इनका इदारा भी यहाँ पर चलता है, इनका स्कूल भी चलता है, कॉलेज भी चलता है, आप लोग को सबको इनके बारे में मालूम होगा। एजुकेशन के टाइम में, एजुकेशन की लाइन में जो इंसान काम करता है ना, उसका विजन ही बहुत डिफरेंट होता है, उसका एम ही बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि वो चाहता है जमीन से जो जिसे कहते हैं नींव का पत्थर, वो नींव का पत्थर रखने वाला इंसान होता है, वो नींव को पत्थर रख के बिल्डिंग बनाता है और उसके बाद उसके अंदर सारी चीजें बनाता है। तो हम लोगों को चाहिए कि दिनों रात से, दिनों जान से मेहनत करें और कलीमुल हफीज साहब का साथ दें, मजबूती से MIM को फैलाएं, बढ़ाएं, लोगों को समझाएं। ये तो हमारी खुशनसीबी है कि कलीम साहब जैसा हमें सदर मिल गया है, और अल्लाह ने चाहा अगर यही रास्ते में हम लोग चलते रहे तो आने वाले टाइम में बहुत ही मजबूती से दिल्ली MIM दिल्ली के अंदर नजम आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो काउंसिलर तो बहुत दूर की बात है, MLA भी जिताएंगे यहाँ। अब मैं थोड़ी सी मुख्तसर सी एक बात और कह दूँ और अपनी बात को रखता हूँ, क्योंकि टाइम भी कम है, बहुत से लोगों को मेरे बात बोलना भी है और हमारे अभी जिम्मेदार बहुत सारे बचे हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ दोस्तों, इलेक्शन के को देख के काम ना करें, सिर्फ ये ना देखें कि इलेक्शन हो रहा है या होने वाला है या कब तक होगा, हमें इलेक्शन की बात ही नहीं करनी है, हमें सिर्फ ये देखना कि हम अपने हलके में MIM को कितना मजबूत कर सकते हैं। जब आपके हलके के अंदर MIM मजबूत रहेगी तो लोग आपके पास खुद आके कहेंगे भाई इलेक्शन पे पार्टिसिपेट करो, इलेक्शन को लड़ो, आप तक नहीं पहुंचेगी बात, दिल्ली सदर तक पहुंचेगी, दिल्ली संगठन मंत्री तक पहुंचेगी, दिल्ली जनरल सेक्रेटरी तक पहुंचेगी, उस एरिया के अंदर, उस हलके के अंदर, उस वार्ड के अंदर, उस विधानसभा के अंदर हमारी टीम मजबूत है। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके सदर आपको बुलाएंगे और बोलेंगे नहीं हमारी जमात तुम्हारे एरिया से मजबूत है, वहां से हम इलेक्शन पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो लेवल तक आप लोगों को पहुंचाना है, हकीकत पाने में, सच्चाई या कबूल करने में मुझे कोई गर्ज नहीं होता है, हम जमीनी तौर पर बहुत कमजोर है दोस्तों। जब तक हम जमीनी तौर पर मजबूत नहीं होंगे, जब तक इलेक्शन में हम कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो लिहाजा जिस तरीके से हमारी स्टेट बॉडी मजबूत है, कलीमुल हफीज साहब मजबूत है, बाकी दीगर हजरात मजबूत है, इसी तरीके से हम लोग चाहते हैं कि हमारा बूथ लेवल से लेके विधानसभा अध्यक्ष से लेके बोर्ड अध्यक्ष तक बहुत मजबूती से रहे, उसकी सारी जिम्मेदारियां ये होनी चाहिए कि हमें मजलिस को किस तरीके से अपने एरिया के अंदर, हल्के के अंदर बढ़ाना है।